हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज रमाकांत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कलर करेंगे तुषार कपूर सर की एक स्केच को, जिसको तुषार कपूर सर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर भी किया है और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वेट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। इसको कलर करने के लिए हम एक्रिलिक कलर का यूज़ करेंगे। हम इसमें रेड, येलो और ब्लू कलर का यूज़ करेंगे। इन तीनों प्राइमरी कलर्स का यूज़ करके हम स्किन टोन बनाएंगे। हमारी कलर पैलेट रेडी है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम रेड, येलो और वाइट को मिलाकर स्किन के लिए शेड तैयार कर लेंगे। तो चलिए स्केच में कलर भरना शुरू करते हैं। वीडियो को थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। मैं जो कलर यूज़ कर रहा हूँ वो फेविक्रिल के एक्रिलिक कलर्स हैं और कैमल के फैब्रिका एक्रिलिक कलर्स हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अब इस मीडियम शेड में वाइट मिलाते हुए फेस में जो लाइट एरियाज़ हैं उनको कलर करेंगे। और मैं यहां मोंट मार्टे का फाइन टिप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एक्रिलिक कलर्स बहुत ही जल्दी ड्राई होते हैं, इसलिए आपको पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए। अब वाइट कलर की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हुए जो हाइलाइट्स एरिया हैं फेस में उनको कलर करेंगे। अब हम मीडियम शेड में थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड करेंगे, ताकि जो स्किन टोन में डार्क एरियाज़ हैं उनको कलर कर सके। अब हम आँखों, बालों और आईब्रोज के लिए ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। हम यहाँ ब्लैक कलर में पानी ऐड करेंगे, ताकि ब्लैक कलर थोड़ा लाइट हो सके। और फिर हम धीरे धीरे पानी की मात्रा को कम करते हुए बालों की डार्कनेस को बढ़ाएंगे। फेस में शेव्ड बियर्ड होने की वजह से हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे बियर्ड को। आँखों को बहुत बारीकी से कलर करेंगे, ताकि हमारे स्केच में डिफरेंस ना आए। हम लिप्स को कलर करने के लिए मजेंटा कलर का यूज़ करेंगे। मजेंटा कलर में हम वाइट और ब्लैक मिला के
लिप्स को लाइट एवं डार्क शेड देंगे। ध्यान रखें कि दांतों पर ज़्यादा फोकस ना करें। अगर आप दांतों पर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका स्केच भूतिया लगने लग जाएगा, जो आप कतई नहीं चाहोगे। अब हम स्केच को फाइनल टच देते हुए फिनिश करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट में बता देना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेना। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।